दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की टीम को चौथे टेस्ट मुकाबले में रौंदने के लिए भारतीय टीम को मिला क्रिस गेल का भी बाप, जबकि इस खिलाड़ी ने पहली 34 गेंदों में उड़ा दिए 140 रन और खेल डाली 227 रन की तूफानी पारी। दोस्तों इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी को देखकर ऑस्ट्रेलिया की टीम भी थर थर कांपने लगी है। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं इस भयंकर खिलाड़ी के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। तो हाल ही में भेजा जा रहे ट्रॉफी 2023 का एक मुकाबला खेला गया असम और सौराष्ट्र के बीच में, जबकि सौराष्ट्र की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 492 रन लगाए, जिसमें ओपनिंग करते हुए अरमीन देसाई ने 196 गेंदों में 108 रन लगाए, जबकि तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए जय गोयल ने असम के गेंदबाजों के परखच्चे से उड़ाकर रख दिए और 240 गेंदों में 227 रन की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 32 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के भी शामिल थे। दोस्तों चौके छक्के से ही 34 गेंदों में 140 रन उड़ा दिए थे जय गोयल ने, जबकि इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए असम की टीम जब मैदान पर आई तो असम की टीम को सौराष्ट्र के गेंदबाजों ने 286 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट कर दिया और इस मुकाबले को बड़ी आसानी से जीत लिया। वैसे गाइस आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना क्या जय गोयल को भारतीय टीम में मौका देना चाहिए या फिर नहीं।